दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से 20,000 पदों के लिए बंपर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इनके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी कल शाम 17/9/2022 से शुरू हो चुकी है। कोई भी ग्रेजुएट बीए बीएससी बीकॉम आपने कर रखी हो, चाहे आप किसी भी राज्य से हो, इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट है और ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आपको अपने राज्य में भी ज्वाइनिंग मिल सकती है। जहां पे भी पोस्ट खाली होंगी केंद्र सरकार की, वहीं पे आपको ये जॉब मिल जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट बिग रिक्रूटमेंट ऑफ 2022, टोटल पोस्ट 20,000। हाँ जी दोस्तों, 20,000 से भी ज्यादा पदों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बंपर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इन पदों के लिए आप 8/10/2022 रात्रि 11 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देख लेते हैं इनका ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन। बाकी जो इनका नोटिफिकेशन है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये देखिए दोस्तों, विज्ञापन जारी कर दिया गया है कल 17/9/2022 को और ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है जो कि 8/10/2022 तक जारी रहेगा। फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 9/10/2022 है। फीस भी यहाँ काफी कम है, सिर्फ 100 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ निर्धारित की गई है। बाकी कैटेगरीज काफी सारी ऐसी हैं जिनके लिए बिल्कुल भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। और एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन आप कर सकते हैं 12/10/2022 से 13/10/2022 तक। और टेंटेटिव डेट है टीयर 1 की दिसंबर 2022, टीयर 2 की बाद में अनाउंस की जाएगी। ये देखिए दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल की तरफ से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ये कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in, यहीं पे आपको इनके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पदों का विवरण देखिए, मैं फिर से बता देता हूँ, 20,000 के आसपास पद हैं यहाँ। कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं? पे लेवल 8/47,600 से 1,51,100, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर सीएजी, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर सीएजी। यह ग्रुप बी गजटेड पोस्ट है। अपर एज लिमिट 30 साल है अनरिजर्व के लिए। इसके साथ साथ पे लेवल 7/44,900 से 1,42,400 के लिए भी काफ़ी सारी वैकेंसियाँ हैं। ये सभी ग्रुप बी की हैं और सी की भी यहाँ कुछ पोस्ट हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की हैं CSS में, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो में और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में AFHQ में, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBDT में, ग्रुप सी की वैकेंसी है ये। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज के लिए भी वैकेंसियाँ हैं, इंस्पेक्टर के लिए हैं, इंस्पेक्टर एग्जामिनर के लिए भी हैं, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसियां हैं। CBI के लिए ग्रुप बी की पोस्ट है, इंस्पेक्टर पोस्ट है, इंस्पेक्टर CBI नारकोटिक्स के लिए भी हैं। इसी के साथ साथ पे लेवल 35,400 से 1,12,400 में असिस्टेंट की हैं, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आई हुई है। इसके बाद पे लेवल 5/29,200 से 92,300 ये ग्रुप सी की हैं, ऑडिटर है ऑफिस अंडर CAG और अकाउंटेंट की भी हैं, ऑफिस अंडर CAG, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स और अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट। इसके बाद पे लेवल 4 25,500 से 81,100 की भी हैं, पोस्टल असिस्टेंट की हैं, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, अपर डिवीजन क्लर्क, तो ये रिक्रूटमेंट भी आई हुई है। जो टोटल पदों की संख्या है वो ये देखिए, टेंटेटिव वैकेंसीज देयर आर अप्रोक्सीमेटली 20,000 वैकेंसीज। हाँ जी दोस्तों, कम से कम 20,000 पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट आ गई है। कोई भी भारत का नागरिक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। एक्स सर्विसमैन के लिए सिर्फ ग्रुप सी की जो पोस्ट है उन्हीं में वैकेंसियां रिजर्व हैं, ग्रुप बी में नहीं है। एज लिमिट आप देख सकते हैं, कुछ के लिए 18 से 27 है, कुछ के लिए 20 से 30 है, 18 से 30, 18 से 32। जो ये पे स्केल मैंने आपको बताया था, इसी के आगे ये देखिए एज लिमिट लिखा हुआ था, आप यहाँ से देख लीजिएगा। और अपर एज लिमिट में छूट, SC ST को 5 साल, OBC 3 साल, PWBD अनरिजर्व 10 साल, OBC 13 साल, PWBD SC ST 15 साल अपर एज लिमिट में छूट यहाँ दी जाएगी। एक्स सर्विस मैन के लिए भी है, काफ़ी सारे और भी
अलग अलग कैटेगरी हैं जिन्हें आप एज लिमिट में छूट दी जा रही है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ अदर क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं या कंसर्न सब्जेक्ट में कुछ परसेंटेज मांगी गई है पोस्ट के अकॉर्डिंग। बाकी जो बेस है, जो मेन क्वालिफिकेशन है, वो बैचलर्स डिग्री ही है लगभग सभी पदों के लिए। अप्लाई कैसे करना है, ssc.nic.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आवेदन कर सकते हैं। 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। वुमेन कैंडिडेट्स, SC ST और PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस यहां नहीं लगेगी। तो ठीक है दोस्तों, मेन जानकारी बिल्कुल शॉर्ट में आपको इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई इस वीडियो में प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।